ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਰੈਂਡ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਗੇ ਅੱਜ ਹਮ नए ब्लॉग नए अपडेट के साथ आपके सामने वापस फिर से आते हैं। तो ये जो पेरिस है स्विट्जरलैंड का डेस्टिनेशन है वो ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर के करीब करीब है, तो 650 से 700 किलोमीटर उसके बीच में मेरे को 6.5 से 7 घंटे लगेंगे अगर मैं एक आधी ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक मैं अभी ले ही रहा था तो आधा पौना घंटा और लगा के चलो एक आधी ब्रेक मैं और भी लूंगा, ठीक है ना। तो हम शाम को 5:30-6 बजे के करीब स्विट्जरलैंड पहुंच रहे हैं। मेरे को सुनने में आया जितना मेरे को दोस्तों ने बताया कि इस स्विट्जरलैंड पहुंचने से पहले ही सीनिक ब्यूटी को शुरू हो जाती है, तो आई वुड ट्राई टू रिकॉर्ड एज मच एज पॉसिबल और फिर जो हम स्विट्जरलैंड में घूमेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। लो जी अपनी शेरनी फिर से मांग रही थी खून थोड़ा सा। वैसे भी था थोड़ा सा फ्यूल मेरे पास, तो मेरे को पता नहीं था अब यार आगे कहाँ कहाँ रुकते रहेंगे। भूख लग रही थी, यहीं से कुछ खाएंगे, यहीं से फ्यूल फिलअप पूरा कर लेते हैं। ये जी 100 यूरो का फ्यूल आया है, 2 यूरो पर लीटर का रेट है। यहाँ पर ले लिया जी हमने एक सैंडविच, एक कोक और उसके साथ 1-2 चॉकलेट और 1 बिस्किट का पैकेट जो रस्ते के लिए काम आएगा अभी आगे के लिए। यहाँ से अब फटाफट निकलते हैं। कॉफी पीने का दिल था बट ये समझ नहीं आ रही कैपुचिनो कौन सी होती है ये कौन सी होती है, हमें टिम हॉर्टन्स की आदत है भाई। एनी हाउ आगे किसी जगह पे हिम्मत मार के ना फिर कॉफी पियेंगे, देखते हैं ट्राई करेंगे कैपुचिनो क्या होती है और ये क्या होती है और वो क्या होती है। अरे कहना क्या चाहते हो? अपना खाना पीना करके अब कुछ मैंने ड्रोन शॉट्स भी लेने की कोशिश करी। हवा बहुत तेज चल रही है, आप देखें ये पेड़ कैसे हिल रहे हैं। जितने ड्रोन शॉट आए हैं उसका लुफ्त लीजिए। तो एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो मेरा प्लान था ना, ये मेरा मैंने जब YouTube चैनल शुरू करा था उससे भी 1 साल पहले से मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। मेरा पैशन है ड्राइव करना और मतलब ज्यादा से ज्यादा ड्राइव करूँ, मेरे को ड्राइविंग का बहुत शौक है। तो घूमने के लिए मैं मतलब अपनी फैमिली के साथ घूमना प्रेफर करता हूँ, अकेले मैं कोई डेस्टिनेशंस पे जाऊं ये करूं ये मेरे से नहीं होता। मैं आई एम 40, जितने लोगों को नहीं पता मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी 1 वाइफ है एंड मैं उनके साथ घूमना पसंद करता हूँ। इससे पहले जितने भी व्लॉग्स मैंने घूमने फिरने के डाले वो मैंने फैमिली के साथ डाले, अकेले के कोई भी नहीं डाले हुए। ये मेरे को मेरा एक ड्रीम पूरा करने का मौका मिला तो मैं अकेले में निकला हूँ। इतने बड़े ड्रीम के लिए मैं अपनी फैमिली को तंग नहीं कर सकता था। आप जो भी सोच रहे हैं कि दिस इज ईजी, दिस इज नॉट एट ऑल ईजी। लिटल प्रॉब्लम अराइज्ड, अब क्या करूं, घबराहट होनी शुरू हो गई एकदम से। यार घबराहट इसलिए क्योंकि अभी डिस्टेंस ही कुछ नहीं कवर करा, अभी तो बहुत ज्यादा बड़ा डिस्टेंस करना और यू कैन सी देयर इज अ चिप, यहां से आज चिप होगी मेरी थोड़ी सी विंडशील्ड और विंडशील्ड पता नहीं इसकी कहां मिलेगी। यहां मतलब रास्ते में तो कहीं नहीं मिलने वाली क्योंकि ये बंदी सिर्फ अमेरिका में है। फिंगर्स क्रॉस इसको डबल टेप वगैरह लगाते, मैं चेक कर रहा था मेरे पास डबल टेप पड़ी होनी चाहिए थी पर पड़ी नहीं है, पर लेट्स सी मैं कुछ ट्राई करता हूँ आगे, नहीं तो पंप वगैरह से कुछ ना कुछ लेके इसके ऊपर लगाते हैं ताकि ये थोड़ी बड़े ना अभी, बट इट्स डेंजरस। भाई अरदास करो प्लीज बड़ी जल्दी ही कुछ प्रॉब्लम शुरू हुई है ये वाली शिट। चलो एनी हाउ बाबा जी साथ आएंगे। टेप तो नहीं पड़ी थी मेरे पास बट ये फोन के पीछे मैग्नेटिक स्ट्रिप्स जो लगती हैं ये चिपकाने वाला था। देखता हूँ अभी इसको चिपका तो दिया पर टेप वगैरह भी ले लेते, डबल टेप वगैरह अंदर भी लगाएंगे कुछ करेंगे क्योंकि आई डोंट थिंक सो ये अब मिलेगी मेरे को वहीं पे। ये बस बड़े ना यहाँ पर रुक जाए ना फिर भी टेंशन नहीं है, जब बढ़ती रही तो मुश्किल आ सकती है बहुत ज्यादा। ये देखो जी यार ये कैसा सा नजारा आ गया, माई गॉड
मतलब मेरे को हाईवे से कहीं अंदर इसने जीपीएस ने भेजा एंड ब्यूटीफुल नजारा आ रहा है यार, ये देखो वेलकम टू स्विट्जरलैंड एंटर कर गए हैं, ना कोई इन्होंने चेकिंग करी ना कुछ देखा, बोले चले जाओ सीधा ही। गुड मॉर्निंग जी, नया दिन आ गया है, हम तैयार हो चुके हैं, कल के व्लॉग को वापस से कंटिन्यू करते हैं। रात को थोड़ा सा लेट हो गया था, कुछ अपना टाइम की मिसमैचिंग वगैरह हो गई थी और मेरे को रास्ते में नींद आई थी, तो आधा पौना घंटा मैं सो भी गया था। तो हम ज्यूरिख नहीं पहुंचे जी, हम ज्यूरिख से पहले एक शहर है बर्न करके, हम वहां पर आ गए थे। वहां यहां पर आने के बाद मैंने एक होटल ले लिया था, होटल ही नहीं मिल रहा था, मतलब लाइक क्योंकि लेट था बहुत ज्यादा ना, तो एक इबिस बजट होटल है ये ले लिया। बजट छोड़ो साला इतना महंगा, कैनेडियन $265 दिए सिर्फ इस रूम के। ये बेड लगे हैं, ये रहा टीवी, वहां पर वॉशरूम, बस दैट्स इट। सो $265 ओनली टू स्पेंड अ नाइट, और ब्रेकफास्ट भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो अभी सुबह के 10:30 बज चुके हैं, रात को ऐसा सोया कुछ कहने की हद नहीं, थकावट इतनी थी। अब हम कंटिन्यू करके आपको, यहां से मैं जाऊंगा लटबर्न और वहां से हम ज्यूरिख जाएंगे। मैं हूं 11th फ्लोर पे अपने होटल के, और यहां से ये नजारा, यहां पे कोई कंस्ट्रक्शन बन रही है, ये नीचे देखो जी, ब्यूटीफुल। सुबह जब उठा था तो एकदम लाइक कहते हैं ना वो, हम बचपन में कहते हैं बादल आ गए, तो वो सब था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। ये खड़ी जी पार्किंग में अपनी बिल्लो रानी, सामान रखते हैं और निकलते हैं। फिर से जी बिल्लो रानी को लगी भूख, तो हमें भी लगी है, पहले बिल्लो रानी को खिला दे। ये खड़ी अपनी बिल्लो रानी यहां पे, यहां पे कुछ मैं अपडेट कर रहा हूं, अगर हो जाए 71% हो गया तो शायद मेरा ड्रोन भी उड़ जाए। कुछ नो फ्लाई जोन कुछ ऐसा सा कुछ दिखा रहा था, बट आई थिंक फर्मवेयर अपडेट करने पे शायद हो जाएगा, लेट्स ट्राई। एग्जिट लिया और 25 यूरो का हमने भरा है टोल, अभी तकरीबन आई थिंक 200-250 किलोमीटर तो चला लिया था। एंड अब ये किसी एक छोटे से टाउन के अंदर से निकल रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सी वाइब आ रही है, छोटा सा टाउन है। एंड आगे फिर मैं किसी और हाईवे पे कनेक्ट कर रहा हूँ। लुक एट दिस भाई, मजे ही आ गया, ओए होए, एकदम स्लोप है, कैमरे में मेरे को नहीं लगता समझ आ रही होगी, बट क्या तगड़ी स्लोप है, और आने जाने का रास्ता ये अभी एक गाड़ी को पूरा साइड पे होना पड़ा मेरे को निकलने के लिए। अभी बस 5 मिनट ही हुए थे चलते हुए, एक सर्विस स्टेशन मेरे को दिखा यहाँ पे पेट्रोल पंप वाला, मैंने कहा सबसे पहले यहाँ पर शायद मेरे को टेप वगैरह मिल जाए, मैंने ये ब्राउन टेप भी ले ली, क्लियर टेप भी ले ली, और ये कुछ गम पड़ी थी, मेरे को लग रहा है कि शायद जहां से चिप हुआ है ना सिर्फ उसके ऊपर ये लगा देता हूँ और फिर मे भी थोड़ा सा फर्क पड़ जाए, तो पहले इसको क्लियर करते फिर यहां से निकलेंगे। ऐसा सा कुछ जुगाड़ कर दिया मैंने, अंदर भी टेप लगा दिया, बाहर भी टेप लगा दिया, क्लियर टेप अभी नहीं लगाई है। मेरा व्यू देखो, मेरे व्यू में बस हल्का सा ऊपर ही आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, व्यू इज क्लियर। ये फोन मैं वैसे नीचे रखता हूँ, सो व्यू इज क्लियर, व्यू की कोई टेंशन नहीं है। अब बस प्रे करो, आप भी मैं भी प्रे कर रहा हूँ बाबा जी से कि ज़्यादा बढ़े ना, हम अपनी डेस्टिनेशन पे सही सलामत पहुँच जाएं। इंडिया तो मैं जैसे मैसे करके इसकी विंडशील्ड मंगवा ही लूंगा, ठीक है ना। नज़ारा देखो यार, स्विस की पहाड़ियाँ नजर आ रही हैं, बाय गॉड मजा ही है, बढ़िया एकदम। ये है जी 181 स्विस फ्रैंक्स हैं, अब इसकी कन्वर्जन मेरे को देखनी पड़ेगी, मेरे को पता नहीं है। एक हमने ले लिया मार्गरीटा पिज्ज़ा जिसमें सिर्फ चीज एंड पिज्ज़ा है, एक हमने यहाँ पर लिया है चॉकलेट वाला मफिन, एक हमने मैंगो जूस ले लिया बस, और फ्यूल का मिला के हमारा टोटल खर्चा यहाँ पे 142
नहीं 132 यूरोज में हमने इनसे चेंज करा लिए थे। बस ये स्ट्रीट से चलते रहो, हमारी गाड़ी वहाँ पे पार्क है। सारे आसपास ये होटल्स एंड कैफेज बने हुए हैं और यही पहाड़ियाँ हैं। मतलब कैमरे में तो मैं आई डोंट थिंक सो कुछ रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा, इतनी ब्यूटीफुल जगह है। मज़ा आ गया, ब्यूटीफुल नज़ारा है पीछे, मज़ेदार। मतलब लाइक ऊपर से हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ आ रही है, सब चीज़ें हो रही हैं, एक ना अलग से ही शांति मिल रही है यहाँ पर आके। ये मतलब लाइक मैं पहले भी बोल चुका हूँ, दिस वॉज द थिंग वट आई वॉन्टेड टू डू, कि मैं स्विट्ज़रलैंड के लेटरब्रनन शहर में आऊँ अपनी गाड़ी के ऊपर और कुछ वीडियोस बनाऊँ और कुछ समा बिताऊँ। बस थोड़ा देर अब यहाँ पे चिल करता हूँ कैमरे कुमरे रख के, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। अभी हम अपनी बिल्लो रानी के साथ यहाँ पे खड़े होके ड्रोन शॉट्स ले रहे थे और एक मैसिव झटका हमें आज एक और लग गया है। मैसिव झटका ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा खर्चा बढ़ गया। वो मेरे पीछे जो ऊपर वाला पेड़ देख रहे हो, उस पर हमारा ड्रोन अटक गया। तो यहाँ की तो थोड़ी बहुत ड्रोन शॉट शायद मैं डाउनलोड कर पाऊँगा, बहुत फाइन रेजोल्यूशन नहीं आएगी, पर जितनी भी आएगी उतनी तो कर देंगे। अब आगे ड्रोन खरीदूँ ना खरीदूँ, क्योंकि लंदन में मेरे को जो फ्रेंड्स मिले थे जिन्होंने ऐसा सा ट्रिप करा हुआ है, वो कह रहे थे कि ईरान में ड्रोन लेके जाना अलाउड ही नहीं है। जो लोग लेके जा रहे हैं वो कनेडियन, यूएस या ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर नहीं है। तो आई एम नॉट श्योर मैं बाय करूँ या ना करूँ, बट लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्या होता है क्या नहीं होता। अभी थोड़ा सा वॉक करके थोड़ा सा आगे का शहर देखते हैं, फिर अपना आगे निकलेंगे। आई गेस अब वापस चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ और अंदर अंदर का कोई और रास्ता ढूंढते हैं जो ब्यूटीफुल हो, वो देखते हैं। ये कुछ ऐसे से नज़ारे आ रहे हैं यार, बहुत ही ब्यूटीफुल। मैं थोड़ी सी वॉक करके आ गया हूँ, समझ ही नहीं आ रहा क्या रिकॉर्ड करूँ क्या नहीं करूँ। वैसे भी लोगों के सामने रिकॉर्ड करने से आप लोगों को पता है मेरे को थोड़ी सी झिझक होती है। इतनी बढ़िया ड्रोन शॉट्स निकाले हैं, होप करते हैं आपको अच्छे लगेंगे। अब ऐसे ही अगर हर जगह पे रुकता रहा ना, फिर तो पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब सीधा अपनी डेस्टिनेशन पे सबसे पहले वाली जो है वहां पे चलते हैं और आपको मिलते हैं वहां पर। यही एक पूरे ट्रिप में एक आईफिल टावर के नीचे फोटो खिंचानी और एक ये शहर देखना जो यूरोप में, जो मेरे को था कि मैं ये करना चाहता हूं। बाकी यूरोप में मतलब मैंने बहुत यूट्यूबर्स को सबको देखा हुआ है, आप लोगों ने भी देखा होगा, तो मैं कुछ नई चीज नहीं दिखाने वाला। इसलिए यूरोप हम जल्दी जल्दी कवर करके जो हमने देखना है वो है थोड़ा बहुत टर्की, बहुत सारा ईरान एंड बहुत सारा पाकिस्तान। तो कवर करते हैं सारी जगह। चलो जी, ड्रोन का नुकसान तो करके थोड़ी सी मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि वो मेरे को थोड़ी सी जो भी मिल जाए उसकी फुटेज है, थोड़ी अच्छी क्वालिटी तो नहीं होगी, पर मूड खराब करने से अगले ट्रिप्स बिगाड़ जाएंगे। तो मूड बिल्कुल नहीं खराब कर रहा, बस यहां से अपना आधा पौना घंटा आराम से बैठ के नजारे देख के हम आगे की तरफ अब निकल चुके हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज इंटरलाकन, जो इंटरलाकन मेरे रास्ते में आना है और वहां से आगे हम ज्यूरिख जा रहे हैं। तो अब घूमते हैं यहां से आगे, देखते हैं क्या क्या नजारे आते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। यार स्टीपनेस मतलब ऊपर की तरफ, ओए होए होए होए, यू माय गॉड, पहाड़ कट के क्या नजारा बना। स्टीप चढ़ाई इतनी चढ़ी जा रही है कि गाड़ी को भी पूरी जान लगानी पड़ रही है ऊपर चढ़ने के लिए, मतलब काफी कंसिस्टेंट ऊपर चढ़ाई हो रही है। ये एक और टनल में हम एंटर हुए हैं और लिखा है कि ये 2000 मीटर ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर लंबी टनल है। वो अगर आपको दूर पहाड़ियों पे घर नजर आ रहे हैं और ऐसे ही सिमिलरली नीचे घर, इतना ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है ना, मतलब मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि बस आ जाओ भाई, सारे के सारे आ जाओ यहाँ पर घूमने के लिए और बाय रोड का सफर जरूर करना। मतलब ज्यूरिख पहुंचने से आधे पौने घंटे पहले जी हमने यहाँ पर एक लिया जी छोटी सी ब्रेक, वॉशरूम ब्रेक,
और यहाँ पर हमें मिल गया जी मिल्क बनाना फ्लेवर, जो कि मेरा फेवरेट है। मेरे को एक ना एक्चुअली क्या है, कॉफी की जरूरत जरूर होती है, जो कि मैं एक दो दिन से नहीं कर ले पा रहा था, और दूसरी अगर होए तो ठंडे दूध की, वो भी मैं एक दो दिन से नहीं ले पा रहा था। आज सुबह मेरे को कॉफी भी मिल गई, जहां से हमने टेप्स वगैरह खरीदी थी अपने विंडशील्ड के लिए, वहां से छोटी सी कॉफी बनवा ली थी मैंने अपने आइडिया, काम चलाऊ थी मेरे लिए, बट यहाँ पर मेरे को एक ठंडा ठंडा बनाना शेक भी मिल गया। बस अब पीते हैं और थोड़ी देर में ज्यूरिख पहुंचते हैं। ज्यूरिख अभी मैं उसके बारे में पढ़ रहा था, इज अ हब है बेसिकली, वहां पे बिल्डिंग्स होंगी, ये होंगे। अभी हम ज्यूरिख के सेंटर में आ चुके हैं, यहाँ पर सब वो बिल्डिंग्स एंड एवरीथिंग है। राइट साइड में थोड़ी सी बीच में कोई नदी सी चल रही है आई थिंक, एंड यहाँ पर थोड़ी हाई प्रोफाइल गाड़ियां एंड बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। पिछले लंदन से यूरोप से लेके सब छोटी छोटी गाड़ियां नजर आ रही थी, हालांकि यहां पर भी छोटी हैं बट कुछ हाई प्रोफाइल भी आ रही है। वो देखो सामने बीचों बीच ट्रेन, जैसे हमारे टोरंटो डाउनटाउन में चलती है, डाउनटाउन के एकदम बीचों बीच ही आके फंस चुके हैं जी। फंसे क्या है, मतलब कोई अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स भी नजर आ रहे हैं। ये रेस्टोरेंट देख के ना थोड़ी सी भूख सी लगी है वैसे, सुबह नाश्ते के बाद मैंने कुछ खाया भी नहीं है और टाइम 4:30-5 बज चुके हैं। अब 4-5-6 दिन हो चुके घर से निकले, आज थोड़ी सी ना तलब हो रही है कोई इंडियन रेस्टोरेंट में कुछ खाने की, बट पता नहीं हमारे नसीब में है या नहीं है। अभी घंटा भर हो गया है और ट्रैफिक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बस ट्रैफिक में जब फंस जाऊं ना, तब या ना दिमाग की ऐसी तैसी होनी शुरू हो जाती है। अभी आई डोंट नो जी कितना ट्रैफिक लगेगा, कहां मैं पहुंच पाऊंगा, क्या होएगा, अभी थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। सो एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। होप करते हैं आपको ये वीडियो यहां तक बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत ट्राई करा है इसमें ड्रोन शॉट्स वगैरह डालने का, सब कुछ करने का, जितना आपको हो सके घुमा सकूं। इस चक्कर के बीच बीच में हमने अपने ड्रोन को भी गवाया। एनी हाउ ड्रोन का तो देखेंगे, कुछ ना कुछ अगर जुगाड़ हो सके तो जरूर करेंगे, ताकि आने वाले अगले जो वीडियोस होंगी उसमें आपको अच्छे अच्छे ड्रोन शॉट्स और भी दिख सके। तो हम इसी व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं अभी, एंड मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया से व्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मैं बहुत जान लगा रहा हूं और आपको पता सोलो ट्रैवल कर रहा हूं, आप लोगों का थोड़ा सा योगदान जो है ना वो मेरे को बहुत ज्यादा हिम्मत दे रहा है। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में।